सिंगरौली एनसीएल की निगाही व जयंत परियोजना में ओबी हटाने का कार्य कर रही डीबीएल कंपनी के अधिकारी समीर कांति घोष, मयूर तिवारी, रामाशीष चटर्जी द्वारा सिंगरौली क्षेत्र के विस्थापित युवा बेरोजगारों तथा सिंगरौली जिले के मूल निवासियों को अपनी कंपनी में नौकरी न देकर 250 किलोमीटर दूर के लोगों को नौकरी देने की बात कही जाती है और इन्हीं तीनों अधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों तथा बाहरी लोगों को अपने दलालों के माध्यम से 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक लेकर गुपचुप तरीके से भर्ती किए जाने की शिकायत आम हो चुकी है। कई सारे बेरोजगारों ने बताया कि हम लोगों से पैसे लेने के बाद भी नौकरी नहीं दी जा रही है। जिला कांग्रेस सेवा दल सिंगरौली के शहर अध्यक्ष राम बाबू सिंह ने इन्हीं मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर सिंगरौली के नाम डिप्टी कलेक्टर SP मिश्रा को सौंपा है। सिंह ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सच लिखने पर 50,00,000 की मानहानि की नोटिस दी जाती है। वहीं एक संपादक को इनके विरोध में खबर चलाने पर कंपनी के अधिकारी मयूर तिवारी व उनके गुर्गों द्वारा संपादक को कंपनी में धोखे से बुलाकर अपने 7 से 8 गुर्गों की उपस्थिति में मोबाइल छीनकर कंपनी के विरोध में छपी खबर को डिलीट कर स्वयं संपादक की आईडी से खुद मयूर तिवारी द्वारा खंडन लिखा गया। वहीं तीसरी घटना कंपनी में रोजगार मांगने गए दलित युवक सुरेश वर्मा के साथ समीर घोष द्वारा जाति सूचक अश्लील गाली गलौज देते हुए झूमा झपटी करते हुए जान से मारकर फेंकवा देने की धमकी भी दी। इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस सेवा दल शहर ने ज्ञापन सौंपा है। सिंह ने जिला प्रशासन को 15 दिवस का समय देते हुए कंपनी के तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा स्थानीय सिंगरौली जिले के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी में रखे जाने हेतु मांग किया है। उन्होंने कहा है कि समय रहते जिला प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो कंपनी के विरोध में जिला कांग्रेस सेवा दल शहर सिंह ने जिला प्रशासन को 15 दिवस का समय देते हुए कंपनी के तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा स्थानीय सिंगरौली जिले के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी पे रखे जाने हेतु मांग की है। उन्होंने कहा है कि समय रहते जिला प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो कंपनी के विरोध में जिला कांग्रेस सेवा दल शहर में विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगा।